Good afternoon, students. Yesterday we have discussed about the electrolysis of water. मैंने आपको बताया था कि electricity pass करके हम water को split up कर सकते हैं. Water को split up कर सकते हैं उसके constituents के अंदर, और constituents जो थे वो थे hydrogen and oxygen gas. और अब मैं आपको बताऊंगा कि electrolysis की जो reaction है, chemical reaction, वो कैसे complete हुई. Problem यहाँ पर students को ये आती है कि सर हमने जो इलेक्ट्रोड्स लगाए थे उनके बीच में तो कोई कांटेक्ट नहीं था, तो ये तो ओपन सर्किट था, तो फिर इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास हो गई. तो पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे. बट फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रेज योर हैंड्स. ऑल द स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स फॉर अटेंडेंस. ऑल द स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स फॉर अटेंडेंस. ओके, थैंक यू. देखिए अब इलेक्ट्रोलाइट के बारे में समझिए. आप इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वाटर सॉल्यूशन. सो आई एम राइटिंग द डेफिनेशन. इट इज वाटर सॉल्यूशन, और यू कैन से दैट एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट होते हैं वाटर सॉल्यूशन ऑफ एसिड्स, बेसेस और सॉल्ट्स. तो कोई भी एसिड, बेस या सॉल्ट को जब हम वाटर में ऐड कर देंगे तो वो जो वाटर सॉल्यूशन बनेगा उस वाटर सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट बोला जाएगा. और इलेक्ट्रोलाइट जो है वो है कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. देखिए आप लोग इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें आपने मेटल्स के बारे में डिस्कस किया था. सर ने आपको बताया था कि मेटल्स के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पाती है. तो इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन का वर्क किसी को करना पड़ेगा. कंडक्टर्स के अंदर, मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं. इलेक्ट्रॉन है वो चार्जेस हैं, तो इलेक्ट्रोलाइट्स में भी चार्जेस होंगे जो फ्लो होंगे जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी. अब एक एक्सपेरिमेंट को देखिए. सबसे पहले एक बीकर लेंगे, वाटर सॉल्यूशन बनाएंगे किसी भी मटेरियल का. मैंने यहाँ पर क्या किया, इलेक्ट्रोड्स लगाए. दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रोड. कार्बन इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज द सेकेंड इलेक्ट्रोड. ये दो इलेक्ट्रोड्स को हमने फिक्स किया. इलेक्ट्रोड्स को फिक्स करने के बाद मैं इसको कनेक्ट करूंगा बैटरी से, और जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करूंगा उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन सा टर्मिनल कैथोड होगा और कौन सा टर्मिनल एनोड होगा. This is plus minus, and a switch is used to turn on and off the circuit. और ये connecting wires के through हमने ये circuit बना दिया. अब ध्यान से समझो, इसके अंदर मैं अभी सिर्फ water fill कर रहा हूँ, distilled water. Distilled water is pure water जिसके अंदर कोई भी ions नहीं होंगे, सिर्फ H2O molecules होंगे. तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर क्या fill कर रखा है, distilled water. Distilled water is pure water which is not containing any ion. हमारे घर पर जो water आता है उसको tap water बोला जाता है, और tap water के अंदर ions होते हैं जिसकी वजह से वो electricity conduct कर पाता है. इसी तरह से rain water भी electricity conduct करेगा क्योंकि उसके अंदर भी ions होंगे, positive negative ions होंगे. अभी मैंने distilled water लिया. अब हम ये देखना चाहते हैं कि circuit में current flow रहा है या नहीं हो रहा. अब आपको दिख रहा है कि open circuit है, यहाँ पर switch भी off कर रखा है हमने. तो मान लीजिए मैंने स्विच ऑन कर दिया, अब इसमें करंट फ्लो हो रहा है या नहीं हो रहा, इसके एविडेंस के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सर्किट के अंदर एक बल्ब कनेक्ट कर देता हूँ. तो यहाँ पर इस जगह पर मैंने एक बल्ब को कनेक्ट कर दिया, बल्ब कनेक्ट कर दिया, और इससे ये पता लगेगा अगर ये ग्लो करता है तो इसका मतलब सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है. बीकर के अंदर है डिस्टिल वाटर, ये है इलेक्ट्रोड्स. इलेक्ट्रोड्स की नेमिंग कीजिए क्या होगी, पॉजिटिव. जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको बोला जाता है एनोड, कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था ये. और जो नेगेटिव टर्मिनल होगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, उसको बोला जाएगा कैथोड. तो ये है एनोड एंड कैथोड. स्विच ऑन कर दिया, स्विच ऑन किया, देखा करंट फ्लो नहीं हो रहा. अब एविडेंस क्या है, करंट फ्लो नहीं हो रहा, ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा. अगर ये बल्ब ग्लो नहीं कर रहा इसका मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा. अब मैं क्या करता हूँ, इस सोल्यूशन को कंडक्टिव बनाता हूँ. ये जो वाटर था इसको कंडक्टिव बनाने के लिए
मैं इसमें यूज करूंगा कॉमन सॉल्ट. कॉमन सॉल्ट इज सोडियम क्लोराइड NaCl. तो मैंने क्या किया, 10 ग्राम NaCl लिया, इस बीकर के अंदर डाल दिया और मिक्सअप कर दिया, इसको स्टेयर कर दिया, हिला दिया. अभी स्विच ऑफ रखा हुआ था हमने. तो जैसे ही मैंने इसके अंदर सॉल्ट डाला, जो सॉल्ट है वो एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब उसमें होते हैं आयन्स. तो ये किस तरह से डिसोसिएट हो जाएंगे, जैसे ही मैं सोडियम क्लोराइड को NaCl को वाटर में ऐड करूंगा तो Na+Cl- इस तरह से आयन्स इसके अंदर फ्रीली मूव करेंगे, ये आयन्स इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगे. तो सॉल्ट बेस या एसिड किसी को भी आप वाटर में डालते हैं, वाटर में डालते ही उनका आयोनाइजेशन होता है. दिस प्रोसेस इज नोन एज आयोनाइजेशन, जिसमें पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन स्प्लिट अप हो जाते हैं. NaCl को लिखने का तरीका है Na+1Cl-1. तो ये Na+Cl- ये डिसोसिएट हो जाएंगे, आयोनाइज हो जाएंगे. डिसोसिएट की बजाय हम ये वर्ड यूज कर सकते हैं कि इनका आयोनाइजेशन हो गया. तो जैसे ही मैंने सॉल्ट को वाटर में डाला, ये आयोनाइज हो गया, Na+Cl- अलग अलग हो गए और ये आयन्स फ्रीली मूव कर सकते हैं. देखिए ये लिक्विड है, वाटर है, वाटर के अंदर पार्टिकल रैंडम मोशन करते हैं, जिगजैग मोशन करते हैं. तो ये पार्टिकल किसी भी डायरेक्शन में रैंडम मोशन कर सकते हैं. वाटर का पार्टिकल है, Na+Cl- है, ये मूव कर सकते हैं. अब देखिए, अब मैं स्विच ऑन करता हूँ. जैसे ही स्विच ऑन करता हूँ, देखता हूँ ये बल्ब ग्लो करने लगता है, ये बल्ब जल उठता है. अगर ये ग्लो करने लगता है, इसका मतलब इस सर्किट में करंट फ्लो है. लेकिन कैथोड और एनोड के बीच में तो कोई कॉन्टेक्ट नहीं है, फिर भी करंट फ्लो है. पर यहाँ पर चार्जेस तो फ्लो हो रहे हैं ना. ये जो सर्किट आपको दिखाई दे रहा है, जो वायर्स लगी हुई है बैटरी के साथ, इसमें तो फ्लो हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स. लेकिन यहाँ पर ये जो सॉल्ट सॉल्यूशन है, एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट है, इसके अंदर क्या फ्लो हो रहा है, यहाँ पर भी चार्जेस फ्लो हो रहे हैं, पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस. अब आप ये बताइए कि Na+ और Cl- किस तरफ जाएंगे. ये है पॉजिटिव टर्मिनल. पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ कौन सा आयन अट्रैक्टेड होगा, कैटायन और एनायन. एनायन, तो एनायन इसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा. ये जो Cl- जो भी दिखाई दे रहे हैं इस सॉल्यूशन में, ये सब किस तरफ चलने शुरू हो जाएंगे, एनोड की तरफ. और जो भी Na+ हैं, वो किस तरफ चलेंगे, वो चलेंगे कैथोड की तरफ. तो Na+ यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो जाएंगे और Cl- जो है वो एनोड के पास में इकट्ठे हो जाएंगे, कलेक्ट हो जाएंगे. ये Cl- Na+ इस तरफ आ गए. तो इस सॉल्यूशन में कौन फ्लो रहा है, आयंस फ्लो रहे हैं. और आयंस के पास क्या है, चार्ज. Na+ इस तरफ जा रहे हैं कैथोड की तरफ, तो पॉजिटिव चार्ज चल करके जा रहे हैं. Cl- एनोड की तरफ आ रहे हैं, Cl- एनोड की तरफ आ रहे हैं, तो नेगेटिव चार्ज चल करके जा रहे हैं. और चार्ज के फ्लो को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिसिटी. द फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पर ये एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में नहीं है, लेकिन इस सॉल्यूशन में क्या फ्लो कर रहे हैं, इस सॉल्यूशन में फ्लो कर रहे हैं चार्जेस. और चार्जेस किस फॉर्म में है, आयंस की फॉर्म में है, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. इस वजह से इसमें कंडक्शन हो रहा है. तो मेटल्स में तो होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, तो वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वही चार्जेस हैं, वो फ्लो करते हैं. तो चार्जेस के फ्लो करने से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है. और इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट में होते हैं आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस. और ये पॉजिटिव नेगेटिव आयन इस सॉल्यूशन में फ्लो करते हैं. सॉल्यूशन में फ्लो करने के कारण इसमें क्या फ्लो होती है, इलेक्ट्रिसिटी. तो यहां पर चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, Na+Cl-, ये चार्जेस हैं, ये फ्लो कर रहे हैं, इसी की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो रहा है. अब आगे की प्रोसेस सुनिए क्या होगी. ये है पॉजिटिव चार्ज, बैटरी का प्लस यहाँ कनेक्टेड है, बैटरी का प्लस यहाँ कनेक्टेड है. नेगेटिव टर्मिनल देखिए किसके साथ कनेक्टेड है, ये दूसरे टर्मिनल के साथ, ये नेगेटिव है. तो बैटरी के माइनस से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा और कैथोड तक आएगा. तो यहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं और कैथोड के पास में क्या कलेक्ट हुए थे, Na+. तो यहां पर एक आयन आया Na+. Na+ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. देखिए सोडियम की स्ट्रक्चर आप देखिए क्या होती है. सोडियम जो है उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं. फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. एंड थर्ड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है. अब रूम टेम्परेचर पर इस इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिलती है कि ये इलेक्ट्रॉन थर्ड ऑर्बिट को छोड़ करके चला जाता है. तो पहले इसमें कितने पॉजिटिव चार्ज थे, +11. अब इसमें कितने और कितने नेगेटिव चार्ज थे, 11. तो +11 -11, नेट चार्ज इज 0. तो पहले नेट चार्ज 0 था जब सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन था 2, 8, 1.
लेकिन अब एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी क्योंकि वो थर्ड ऑर्बिट से जा चुका है, थर्ड ऑर्बिट इसकी खत्म हो गई। अब देखिए नेट चार्ज कितना होगा, +11 -10 +1 +1। तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हुई इसको क्या लिखा जाएगा, Na+1, और इसका कॉन्फिगरेशन क्या होगा, 2.8। तो एक इलेक्ट्रॉन की इसमें डेफिशिएंसी थी। Na+ क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है और ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। तो Na+ यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसकी तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो Na+ इस तरफ चल करके गए और इसको यहाँ मिला एक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मिला ये सोडियम आयन से क्या बन जाएगा, सोडियम एटम। इसमें एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी थी, जैसे ही इसको बैटरी से एक इलेक्ट्रॉन मिला कॉन्फिगरेशन हो गया 2.8.1। अब ये आयन से क्या बन जाएगा, एटम बन जाएगा। तो सोडियम मेटल यहां पर कलेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। ये जो इलेक्ट्रोड दिख रहा है आपको कैथोड, इस पर कौन सी मेटल डिपॉजिट हो जाएगी, सोडियम मेटल डिपॉजिट हो जाएगी और सॉल्यूशन के अंदर से Na जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, सोडियम जो है धीरे धीरे खत्म होता जाएगा क्योंकि वो यहां पर कलेक्ट हो रहा है। अब क्लोरीन के साथ क्या होगा, देखिए ये Cl- यहां पर चल करके आया। क्लोरीन की स्ट्रक्चर देखिए, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17, इसका मतलब उसमें 17 प्रोटॉन है, 17 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 17 प्रोटॉन होंगे, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, सेकंड ऑर्बिट के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे और थर्ड ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होंगे और एक की जगह खाली होगी। तो मैं क्लोरीन का कॉन्फिगरेशन लिख रहा हूं 2.8.7। थर्ड ऑर्बिट में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन की जगह खाली है, ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो जैसे ही इसको एक इलेक्ट्रॉन मिलता है कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा, 2.8.1। पहले देखिए इसके पास कितना चार्ज था, पहले था इसके पास +17 -17, नेट चार्ज था 0। लेकिन जैसे ही इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना हो गया, -18। +17 -18, नेट चार्ज इज -1, सो Cl इज रिटन एज -1। तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी हो जाती है। पहले कॉन्फिगरेशन था 2.8.7, तो ये एलिमेंट स्टेबल नहीं था। इसने क्या किया, अपने आसपास कहीं से भी इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया, इलेक्ट्रॉन को गेन करते ही इसका कॉन्फिगरेशन हो गया 2.8.18। ये आर्गन गैस का कॉन्फिगरेशन है 2.8.8। अब इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो चुका है, आउटर ऑर्बिट कंप्लीट हो चुकी है, 8 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी होने से ये Cl-1 बन गया, Cl-1। तो ये था Cl-1 जो किसकी तरफ अट्रैक्टेड होगा, एनोड की तरफ। तो Cl- इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की एफिशिएंसी है, अगर एफिशिएंसी है तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा एनोड को और ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में ट्रेवल करेगा और कहां चला जाएगा, बैटरी के प्लस में चला जाएगा। तो माइनस से इलेक्ट्रॉन निकल करके आते हैं कैथोड पर और एनोड से इलेक्ट्रॉन चल करके आते हैं बैटरी के प्लस तक। तो इस सर्किट में इलेक्ट्रॉन ना तो क्रिएट हो रहे हैं ना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। जितने इलेक्ट्रॉन यहां पर जाएंगे कैथोड में उतने ही इलेक्ट्रॉन एनोड से आ जाएंगे। तो इस सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं ये जो सर्किट है, इस सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे, लेकिन यहां पर कौन फ्लो हो रहा है इस सॉल्यूशन में, Na+ और Cl-। तो Cl- जैसे ही यहां पर आता है, यहां पर आते ही ये अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है जिसको मैंने एनोड लिखा था। तो अपना ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, जैसे ही डोनेट करेगा ये बन जाएगा क्लोरीन एटम, क्लोरीन एटम बन गया। इसी तरह से एक क्लोरीन और आई, एक Cl- और आया, उसने भी अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी बैटरी के प्लस की तरफ चला गया और ये बन गया क्लोरीन एटम। और ये जो क्लोरीन और क्लोरीन एटम है ये दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं, शेयरिंग करके कौन सी गैस बना देते हैं, Cl2, Cl सिंगल बॉन्ड Cl, क्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इट इज नोन एज क्लोरीन गैस। तो एनोड से कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। एनोड से कौन सी गैस रिलीज होने वाली है, क्लोरीन गैस। कैथोड पर कलेक्ट होगा सोडियम और एनोड के पास में से क्लोरीन गैस रिलीज होगी, बबल छूटते हुए दिखाई देंगे, मतलब गैस रिलीज हो रही है। तो ये होती है पूरी प्रोसेस इलेक्ट्रोलाइट की और ये है इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करना विद द हेल्प ऑफ आयंस, विद द हेल्प ऑफ चार्जेस, कैटायंस एंड एनायंस। तो इस सर्किट में तो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है, फिर से समझ लीजिए, बैटरी के माइनस से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा और कैथोड में एंटर होंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन जाएंगे Na+ में, Na+ इससे Na बन जाएगा,
तो जैसे ही Na प्लस को एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो ये क्या बन जाएगा, Na। तो Na प्लस से ये Na बन गया। और क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा है, माइनस हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्लोरीन एटम बन रहा है, क्लोरीन के साथ ये हो रहा है। तो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं जिससे सोडियम आयन से वो सोडियम एटम बन रहा है, और क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है, जिससे एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल करके बैटरी के प्लस में जा रहे हैं। इस तरह से सर्किट कंप्लीट हो रहा है। तो ये था इसका इलेक्ट्रोलिसिस, और इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट वर्क करते हैं, इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट वर्क करेंगे। अब जो कल मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, उसमें आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे फ्लो हुई होगी, उसमें H2O था। अगर H2O था तो वो डिसोसिएट हो रहा है, H2O था तो वो क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है, H+, H+ एंड O-2। अब देख लीजिए H+ किस तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ। तो H+ कैथोड की तरफ जाते हैं, इसको एक एक इलेक्ट्रॉन मिलता है, ये हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, एक एक इलेक्ट्रॉन ये गेन करते हैं कैथोड से यहाँ से, तो हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटम सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, और कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोजन गैस में, दिस इज नोन एज H2, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट इज ऑक्सीजन। अब O-2 बचा, O-2 किस तरफ अट्रैक्टेड होगा, एनोड की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ। तो जैसे ही ये यहां पर जाएगा, ये अपने दो इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, ये दो इलेक्ट्रॉन एनोड में चले जाएंगे, एनोड से किस में चले जाएंगे, बैटरी के प्लस में चले जाएंगे। तो ये दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ऑक्सीजन गैस बन जाएगी, फिर से कोई और ऑक्सीजन यहाँ पर आएगी, O-2 आएगा, ये भी अपने दो इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, ये भी ऑक्सीजन एटम बन जाएगा। ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन एटम, ये दोनों दो दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं एक दूसरे के साथ में, और कौन सी गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑक्सीजन गैस में। तो कैथोड के पास में से, कैथोड टर्मिनल के पास से हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, और एनोड के पास में से ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। अगर ओपन बीकर में ऐसा करेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी। तो इस कैथोड के पास में आपको बबल्स दिखाई देंगे, एनोड के पास में भी आपको बबल्स दिखाई देंगे। ये केमिकल रिएक्शन इस तरह से भी करवाई जा सकती है। सो दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस एंड यूज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की डेफिनेशन फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रोलाइट इज द एक्वियस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट, एसिड और बेसिस। इलेक्ट्रोलाइट वाटर सॉल्यूशन होता है सॉल्ट का, एसिड का या बेस का, जो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसमें कंडक्शन कौन करते हैं, आयंस या इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रोलाइट में कंडक्शन किया जाता है आयंस के थ्रू, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, कैटायंस एंड एनायंस। Now I am going to explain the third type of decomposition reaction, which is photolytic decomposition reaction. Photolytic decomposition reaction. ये second का C part है, सेकेंड था डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसका सी पार्ट है ये। फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शंस, ये काफी इजी है रिएक्शन, और इजीली इसको देखा भी जा सकता है, किया भी जा सकता है लेबोरेटरी के अंदर। इसमें कुछ ज्यादा अरेंजमेंट नहीं चाहिए हमें, या इसके लिए यूज किया जा सकता है वर्ड फोटोलिसिस। फोटोलिसिस भी बोलते हैं, फोटोलाइसिस भी बोल सकते हैं आप इसको। फोटो का मतलब होता है लाइट, ये जो मैंने लिखा फोटो इसका मतलब है लाइट, और लाइसिस जो है इसका मतलब है स्प्लिटिंग। तो किसी मॉलिक्यूल को स्प्लिटअप करना विद द हेल्प ऑफ लाइट, दिस इज नोन एज फोटोलाइसिस और फोटोलिसिस। डेफिनेशन देख लीजिए क्या होगी, व्हेन द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट, व्हेन द डीकंपोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट
by using light energy. By using light energy, then it is called photolytic decomposition reaction. When decomposition reaction is carried out, अगर decomposition reaction carry out की जा रही है, पूरी की जा रही है photo मतलब कि light, by using light energy. अगर light energy से decomposition किया जा रहा है तो इसका मतलब ये जो decomposition reaction होगी, इस decomposition reaction को क्या बोला जाएगा, photolytic decomposition reaction, or you can say that photolysis. अब इसके एग्जाम्पल देखिए किस तरह से होंगे. देखिए डेफिनेशन इजी है, मैंने जो भी आपको डीकम्पोजिशन रिएक्शंस बताई उन सब की डेफिनेशन सेम है, बस आपको यहां पर चेंज करना है. व्हेन द डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय यूजिंग के बाद बस इस वर्ड में चेंज करना है आपको, और यहां पर चेंज करना है, ये दो वर्ड्स को आपको चेंज करना है. अगर मैंने लिखा हीट एनर्जी तो बन जाएगी थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर मैंने यहां पर लिखा इलेक्ट्रिसिटी तो बन जाएगी इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन. अगर मैं यहां पर लिखूंगा लाइट एनर्जी तो यहां पर लिखेंगे फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन. तो डेफिनेशन सेम है, बस आपको ये दो वर्ड्स चेंज करने हैं. हीट लिखेंगे तो थर्मल हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी लिखेंगे तो इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन हो जाएगा, लाइट लिखेंगे तो फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन हो जाएगा. सो दिस इज द डेफिनेशन. अब डेफिनेशन के बाद में देखिए इसके एग्जाम्पल्स. आपकी एनसीईआरटी बुक में दो एग्जाम्पल गिवन है इसके, और भी एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन नोट्स के अंदर आपको ये दो एग्जाम्पल लिखने हैं इस चैप्टर के अंदर. एग्जाम्पल वन, व्हेन सिल्वर क्लोराइड इज exposed to sunlight, it decomposes to give silver metal and chlorine gas. Chlorine gas को कैसे identify करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ. देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सिल्वर क्लोराइड को धूप में रखने वाले हैं, लाइट एनर्जी में एक्सपोज करने वाले हैं, और जैसे ही लाइट एनर्जी में एक्सपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, सिल्वर मेटल एंड क्लोरीन गैस. तो देखिए इसकी केमिकल रिएक्शन, रिएक्टेंट सिर्फ एक होगा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, सिल्वर क्लोराइड. सिल्वर क्लोराइड का फॉर्मूला है AgCl. AgCl, Ag अर्जेंटेनम बोला जाता है इसको, अर्जेंटेनम ये इसका लेटिन नेम है, लेकिन इंग्लिश में जो IUPAC जो नेम है इसका वो है सिल्वर. क्लोरीन Cl, AgCl, दिस इज सिल्वर क्लोराइड. और ये कौन से कलर का है, ये होता है वाइट कलर का. ये कौन से कलर का पाउडर होता है, वाइट कलर का पाउडर होता है. और कौन सी फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में, सॉल्ट है ये सिल्वर क्लोराइड, सॉल्ट है तो सॉलिड फॉर्म में होगा, और व्हाइट कलर का देखिए सॉल्ट. अब इसको हम लोग कहाँ रखने वाले हैं, सनलाइट में. तो सनलाइट में जैसे ही रखेंगे एक तो सिल्वर मेटल बनेगी, कौन से कलर की होती है सिल्वर मेटल, ग्रेइश व्हाइट. ग्रेइश व्हाइट, सिल्वरी व्हाइट भी लिख सकते हैं इसको, ये एक सॉलिड है. और क्लोरीन गैस Cl2 लिखा जाता है इसको, क्लोरीन गैस को Cl2 एंड विच इज अ गैस. अच्छा ये जो क्लोरीन गैस है ये होती है येलो इस ग्रीन कलर की, कौन से कलर की होती है, येलो इस ग्रीन. आपको देखिए क्लोरीन यहां पर लिख रहा हूं मैं, येलो इस ग्रीन.
ठीक है, येलो ग्रीन कलर की जो गैस निकलती है वो क्लोरीन गैस है। केमिकल रिएक्शन देख लीजिए, AgCl सिल्वर क्लोराइड, इसको सनलाइट में एक्सपोज किया जा रहा है। सनलाइट में जैसे ही रखेंगे व्हाइट कलर से ग्रेश व्हाइट कलर का एक मटेरियल बनेगा, ग्रे कलर का एक मटेरियल बनेगा। मेटल जो है वो ग्रे कलर की होती है, और ग्रे मेटल कौन सी है, ये सिल्वर मेटल बनेगी जिसको Ag से लिखा जाता है। और कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस। और ये जो क्लोरीन गैस है ये कौन सी होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। जो क्लोरीन गैस है वो कौन से कलर की होती है, येलोइश ग्रीन कलर की होती है। अब आप इसका एक्सपेरिमेंटल सेटअप देखिए क्या होगा। एक चाइना डिश लेंगे, एक बर्तन लेंगे इस तरह का, और जिसके अंदर हम लोग क्या डाल देंगे, सिल्वर क्लोराइड। ये मैंने इसके अंदर सिल्वर क्लोराइड को यहाँ डाल दिया, पाउडर है ये व्हाइट कलर का। तो यहाँ पर ये क्या डाला गया है, सिल्वर क्लोराइड विच इज ऑफ व्हाइट कलर। तो ये व्हाइट कलर का पाउडर हमने इसके अंदर फिल कर दिया, AgCl। अब इसको सनलाइट में रखना है तो सन बनाना पड़ेगा और सनलाइट आनी पड़ेगी। ये सन है और यहां से इसके ऊपर ये सनलाइट आ रही है। तो जैसे ही इस पर सनलाइट पड़ेगी, सनलाइट इसके ऊपर जैसे ही आएगी, ये हीट एनर्जी को, ये लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। और जैसे ही लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो आप देखेंगे यहां से एक गैस रिलीज होगी विच इज क्लोरीन गैस, Cl2 गैस। और क्या कलर बताया मैंने आपको इसका, येलोइश ग्रीन। ये येलोइश ग्रीन कलर की एक गैस निकल रही है, ये क्लोरीन गैस होगी। और ये बीकर के अंदर, ये जो चाइना डिश थी, इसको क्या बोला जाता है, चाइना डिश। ये जो चाइना डिश थी इसके अंदर जो व्हाइट कलर का सिल्वर क्लोराइड था, ये धीरे धीरे किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये सिल्वर कलर के मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रेइश व्हाइट कलर के मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा विच इज सिल्वर। तो यहां पर कलर चेंज हो रहा है, व्हाइट से सिल्वर कलर का हो रहा है, ये ग्रेइश व्हाइट हो रहा है। तो कौन सी मेटल बन गई, सिल्वर मेटल बन गई, अर्जेंटिनम बन गया। और गैस रिलीज हो रही है येलोइश ग्रीन कलर की विच इज क्लोरीन गैस। तो ये एक्सपेरिमेंट इस तरह से किया जाता है। तो ये फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखिए इसका, सेकेंड एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंटल सेटअप सेम रहेगा, एग्जाम्पल में चेंज कर रहा हूं मैं। सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और इसको भी कहां पर एक्सपोज करने वाले हैं हम, सनलाइट में। तो सनलाइट में जैसे ही एक्सपोज करेंगे कौन कौन सी मेटल्स बनेंगी, सिल्वर मेटल एंड ब्रोमीन गैस, Br2 गैस। सिल्वर मेटल इज, अच्छा ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं की हमने, नीचे वाली जो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन थी इसको बैलेंस देखिए कैसे करेंगे। क्लोरीन रिएक्शन के बाद में दो है, रिएक्शन से पहले भी दो होने चाहिए, तो यहाँ पर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिल्वर भी 2 हो जाएंगे, तो यहाँ पर भी सिल्वर 2 होने चाहिए थे, फिर इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी इसकी, 2AgCl एरो 2Ag प्लस Cl2। अब देखिए नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन AgBr, ये एक सॉलिड है, सॉल्ट है, सिल्वर ब्रोमाइड। ये जो सिल्वर ब्रोमाइड है ये कौन से कलर का होता है, पेल येलो, ये डल कलर होगा, येलो कलर होगा और डल होगा, ठीक है। उसके बाद सिल्वर, सिल्वर जो है वो मैंने अभी लिखा था, ये एक मेटल है जिसको बोला जाता है ग्रेइश वाइट। ब्रोमीन, ब्रोमीन गैस, कौन की गैस होती है, नॉन मेटल है ये एक, और कौन से कलर की होती है, ये होती है रेड ब्राउन कलर की गैस, रेड ब्राउन कलर की गैस होती है। दिस इज द सेकेंड एग्जाम्पल, सिल्वर ब्रोमाइड का यूज किया हमने, और सिल्वर ब्रोमाइड जो है उसको सनलाइट में रख दिया। फिर से वही एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक चाइना डिश लेंगे, उस चाइना डिश के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड डाल देंगे, और ये कौन से कलर का है, ये येलो कलर का है, पेल येलो कलर का, लाइट येलो कलर का है। और जैसे ही हम इसके ऊपर इसको सनलाइट में एक्सपोज करेंगे, सनलाइट इस पर पड़ेगी तो यहाँ से गैस रिलीज होगी, वो गैस कौन से कलर की है, रेड ब्राउन कलर की। अगर रेड ब्राउन कलर की गैस है तो इसका मतलब ये ब्रोमीन गैस है,
ब्रोमीन वेपर है, ठीक है। तो ब्रोमीन जो रिलीज हो रहा है वो वेपर फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो इसलिए मैं इसको जी लिख दूंगा, गैसियस स्टेट में लिख दूंगा। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने के लिए देखिए, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जैसा कि फर्स्ट एग्जांपल में किया था। तो सिल्वर ब्रोमाइड जो येलो कलर का था, जैसे ही हमने उस पर सनलाइट डाली, देखा वो येलो कलर से ग्रेइश व्हाइट हो गया, येलो कलर से ग्रेइश व्हाइट हो गया, इसका मतलब सिल्वर मेटल यहाँ पर बन चुका है। और कौन सी गैस रिलीज हो रही है, रेड ब्राउन कलर की गैस रिलीज हो रही है, इसका मतलब ये ब्रोमीन वेपर है। ब्रोमीन वेपर, ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो वेपर स्टेट में मिलता है रूम टेम्परेचर पे। एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में है, सिर्फ एक ही नॉन मेटल है, सिर्फ एक ही ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन इस रिएक्शन में वो कौन सी स्टेट में मिल रहा है, ये गैसियस स्टेट के अंदर मिल रहा है। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ एक ही नॉन मेटल है जो लिक्विड स्टेट में होता है, वो होता है ब्रोमीन। लेकिन यहाँ पर कौन सी स्टेट में मिल रहा है, यहाँ पर गैसियस स्टेट के अंदर मिल रहा है। तो ये इसकी केमिकल रिएक्शन है। और एग्जाम्पल सुनिए इसके, और एग्जाम्पल है ओजोन। हमारे अर्थ के चारों तरफ एक ओजोन लेयर है जो किसको एब्जॉर्ब करती है, अल्ट्रा वायलेट रेज को। अल्ट्रा वायलेट रेज, वो भी सनलाइट, सन एनर्जी, सोलर एनर्जी ही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं डिफरेंट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की। तो जो ओजोन लेयर है वहां पर देखिए किस तरह की रिएक्शन होती है, यही डीकम्पोजिशन होता है। ओजोन को लिखा जाता है ओ थ्री से, विच इज ए गैस। तो जैसे ही इसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो ये भी डीकम्पोज हो जाता है ऑक्सीजन गैस में और ऑक्सीजन एटम के अंदर, ऑक्सीजन गैस में और ऑक्सीजन एटम के अंदर, ये भी गैसीय स्टेट में ही होता है। तो इस तरह से डीकम्पोजिशन होता है ओजोन लेयर में। सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इसके ऊपर भी जैसे ही हम लोग लाइट डालते हैं, लाइट एनर्जी डालने पर ये भी डिसोसिएट हो सकती है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड में और ऑक्सीजन एटम में। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के ऊपर भी जब भी हम लाइट डालेंगे तो ये भी नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन एटम के अंदर क्या हो सकती है, डिसोसिएट हो सकती है। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ फोटोलाइटिक डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नाउ इफ यू हैव एनी क्वेरीज देन प्लीज आस्क योर क्वेश्चंस। ध्रुव गॉड, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, व्हाट इज योर क्वेश्चन सर? गैस का कलर कैसे पता लगता है सर? गैस का कलर, गैस को देख लेंगे हम लोग आईज के थ्रू। किसके थ्रू? गैस दिखाई दे रही है आपको, रेड ब्राउन कलर की वेपर उठ रहा है, इसका मतलब ब्रोमीन गैस है, ब्रोमीन वेपर है वो। देखिए, सब्सटेंस को पहचानने का तरीका है उसका कलर। किसी भी सब्सटेंस को पहचाना जाता है तो उसके कलर से पहचाना जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, टेलीस्कोप के थ्रू दूसरे प्लैनेट्स को देख रहे हैं, सन को देख रहे हैं जो कि इतनी दूर है, लेकिन फिर भी हम उनका कॉम्पोजिशन जानते हैं। कॉम्पोजिशन क्यों जानते हैं? उनके कलर की वजह से। तो किसी भी जगह पर अगर हमें येलो कलर की लाइट दिखाई दे रही है, डार्क येलो कलर की लाइट दिखाई दे रही है, इसका मतलब वहां पर सोडियम मेटल है, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर्स जो हैं वो डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल्स को बताते हैं। तो किसी भी मैटर को पहचानने का फिंगरप्रिंट क्या है? उसका कलर। यस मोनीश माथुर, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून सर, मैंने आपको कुछ डाउट्स व्हाट्सएप करे थे सर, वो उनका आंसर चाहिए था सर। बेटा आपने रात को 11:30 बजे व्हाट्सएप किए थे, तब तक मैं सो गया था। ओके सर, मैंने आपको बोला था कि 5 से 7 में आप मेरे को मैसेज कीजिए, मैं फ्री होते ही आपको रिप्लाई कर दूंगा उसका। तो 11:30 बजे टाइम नहीं है मैसेज करने का। आपने जो क्वेश्चन पूछे थे वो मेरे को याद है। क्या क्वेश्चन है? आपने बोला कॉपर सेकेंड ऑक्साइड क्या होता है। कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, सेकेंड वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं? उसकी वैलेंसी के लिए। अगर मैंने लिखा कॉपर सेकेंड ऑक्साइड तो इसका मतलब जो कॉपर है उसके ऊपर कितना चार्ज होगा, +2। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा इसीलिए ये Cu+2 होगा। और ऑक्सीजन कितनी होनी चाहिए? ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है? -2। +2 -2 चार्ज बैलेंस हो रहा है, तो ये है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड। और ये कौन से कलर का होता है? ये होता है ब्लैक कलर का सब्सटेंस। दिस इज कॉपर ऑक्साइड। ओके सर। ओके नेक्स्ट।
हेलो सर। यस करण गुप्ता। हाँ सर, मेरे को डाउट था कि सर काफी एटम्स की अलग अलग वैलेंसीज होती है, जैसे आयरन की देख लो 2-3 और 2-3 होती है, तो वो ज्यादा फेवरेबल कौन सी वैलेंसी में बैलेंस करने को रहते हैं? अब उसको भी कंफ्यूजन हो जाती होगी कि किसके साथ करें अब हम। नहीं, कंफ्यूजन नहीं होती बेटा, एनर्जी पे डिपेंड करता है ये। अब सुनो एक्सप्लेनेशन जी, एक्सप्लेनेशन सुनिए। रूम टेम्परेचर के आसपास आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। सर म्यूट कीजिए इसको। आयरन जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन फ्री करता है अपनी आउटर ऑर्बिट से। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री कर रहा है तो ऑक्सीजन -2 वाला है, +2 -2, ये इसके साथ स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स क्रिएट करेगा। चार्ज बैलेंस हो रहा है, नेट चार्ज 0 आ रहा है, तो यहां पर बनेगा आयरन सेकेंड ऑक्साइड। लेकिन अगर किसी जगह पर टेम्परेचर ज्यादा है, जैसे कि अर्थ के सेंटर की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है। अर्थ का जो कोर है वो लगभग 2 या 3 या 4 हजार डिग्री सेल्सियस पर गर्म है वो, तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ेगा। तो जो आयरन अर्थ क्रस्ट के अंदर है वो हाई टेम्परेचर पर है, और हाई टेम्परेचर पर होने के कारण उसकी आउटर ऑर्बिट से 3 इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं। इलेक्ट्रॉन का फ्री होना एनर्जी पे डिपेंड करता है। अगर ज्यादा एनर्जी मिल रही है तो 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएंगे। अगर 3 इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए तो ये Fe+3 बन गया। अगर ये Fe+3 बन गया और उसके आसपास जो भी ऑक्सीजन है उसने 2-2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रखे हैं, क्योंकि उसकी आउटर ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन का स्पेस खाली होता है, तो मैक्सिमम ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो अब देखिए चार्ज बैलेंस नहीं हो रहा, +3 -2, +3 -2। तो बैलेंस करने का तरीका क्या है? ऑक्सीजन का नंबर भी 6 करना पड़ेगा, ऑक्सीजन के जो वैलेंसीज है उसका नंबर भी 6 होगा, आयरन के 2 एटम्स आएंगे, 2 आयंस आएंगे, +3 +3। तो Fe+3 Fe+3 O-2 O-2 O-2, ये कौन सा कंपाउंड बनेगा? Fe2O3, दिस इज आयरन थर्ड ऑक्साइड। अब चार्ज बैलेंस हो रहा है कि देखो, इधर है +6 इधर है -6, +6 -6 चार्ज बैलेंस हुआ, तो ये एक सब्सटेंस क्रिएट हो सकता है, दैट इज Fe2O3। नाउ ऑल द स्टूडेंट्स रेज योर हैंड्स, डू इट फास्ट।